लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, हम लोग ये सोचते हैं कि बस इसका एक क्विक रिजल्ट जो है, फास्ट ट्रीटमेंट जो है वो हमें मिल जाए। हम लोगों की टेंडेंसी होती है ये। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो जनरली लोग सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं इसकी कोई मेडिसिन जो है वो आप लिख दीजिए। तो लोग क्या करते हैं, उस मेडिसिन को ले लेते हैं। कुछ दिन तक जब तक वो मेडिसिन चलती है तब तक तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद जब वो मेडिसिन छूट जाती है तो आपको या तो कुछ महंगे महंगे ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए जाते हैं, या फिर आपको जो है वो मेडिसिन छोड़ते ही वो सिम्टम जो है वो कुछ और अग्रेसिव होकर आपकी लाइफ के अंदर वापस आता है विद द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। तो इन सब के चलते जो होते हैं, फास्ट ट्रैक के ऊपर ना जाकर हमें जो है उसके रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूँ आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी आयोडीन डेफिशिएंसी के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एक बार तो स्पेशली जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ नोइंगली सिम्टम्स के बारे में भी बात करूंगी और कुछ अननोइंगली सिम्टम्स जो होते हैं, जो अननोन है, जो वाकई में लोगों को नहीं पता है कि वो सिम्टम रूट कॉज उसका बहुत ही छोटा है, लेकिन हम उसके लिए बड़े बड़े टेस्ट और बड़ी बड़ी दवाइयां जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, और सबसे मेन सिम्टम जो है आजकल की पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वो है आपका मेमोरी, यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड। हर इंसान परेशान है किसी न किसी चीज को लेकर, उसकी वजह से वो ये सोचता है कि मेरे को मेमोरी लॉस होने लगा है, मैं चीजें जो है वो रखकर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, या फिर किसी भी तरह की एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं के साथ लोग बाग डील कर रहे हैं। इवन बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस समस्याओं के साथ आजकल डील कर रहे हैं। तो इन सब के चलते अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बुढ़ापे की वजह से हमारा जो है ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है। हालांकि ये बात एक तरह से सही भी है, क्योंकि हम जब लोग बूढ़े होने लग जाते हैं तो वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इसका एक रूट कॉज होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी, और ये सब जो है बहुत तेजी से कब स्टार्ट हुआ है, जब से आपकी डाइट के अंदर पिंक हिमालयन सॉल्ट ने एंट्री ली है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब से लोगों के ये कुछ सालों में ही ये बहुत ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा फैला है कि पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो अप्रूव किया गया है कि यही सॉल्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि मिनरल्स में हाई है। डेफिनेटली ये सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट को छोड़ दें, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही एक ऐसा जरिया है एक आम लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो अपने आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। तो मैंने जो इस अपने सर्वे में, अपनी स्टडीज में जो अब तक देखा है, जब से पिंक हिमालयन सॉल्ट ने एंट्री ली है लाइफ के अंदर, तब से लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग और मेमोरी लॉस, ऐसी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए आई है। वरना लोग बाग पहले बूढ़े होते थे लेकिन उनके अंदर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, लेकिन आजकल बच्चों के अंदर भी उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आयोडीन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपके लिए ब्रेन से रिलेटेड। आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप भूल जाते हैं चीजों को, धीरे धीरे दिमाग जो है वो डिप होने लगा है, तो एक बार आप डिप्रेशन की मेडिसिन या फिर आप किसी ऐसे ट्रीटमेंट पर जाने से पहले एक बार ब्लड टेस्ट कराइए और देखिए कहीं आपको आयोडीन की डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उसको फुलफिल कीजिए विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, या फिर आप आयोडीन रिच फूड भी खा सकते हैं, या फिर पर्सनलाइज डाइट प्लान्स भी बनवा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो देखने में आती है। अपने आप से कभी भी कोई भी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि खुद से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कई बार जो होते हैं उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। दूसरा मेजर सिम्टम आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है ये भी, अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, वो काफ़ी ओबेज हो जाते हैं, और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। ऑल ओवर बॉडी जो होती है वो इतनी हैवी नहीं होती है, लेकिन ब्रेस्ट जो होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। बहुत एम्बेरसिंग जो होते हैं वो अपने आप को फील करते हैं कई बार, या फिर उनके अंदर जो है जो उनको जो लड़कियां हैं जो मैरिज के बाद जो कंसीव करना चाहती हैं उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप एक बार अपने ब्लड टेस्ट को जरूर करवाएं, जिसमें आयोडीन का टेस्ट मतलब होना ही होना चाहिए। साथ में आपको थायराइड के टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आयोडीन के साथ अगर थायराइड भी आपका बढ़ा हुआ आया है TSH, तो ये इसका रूट कॉज, आपके थायराइड होने का रूट कॉज जो है वो आयोडीन डिफिशियंसी डेफिनेटली हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम है, ये दो सिम्टम्स अगर आपको समझ में आए हैं अभी तक, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहिए, पर्सनल एनरोलमेंट चाहिए अपने वेट लॉस के लिए, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर जाकर आप एनरोलमेंट बुक करवा सकते हैं, और इट इज पेड ट्रीटमेंट प्लीज। तो फिर यहाँ पर जो मैं थर्ड सिम्टम की बात करूंगी वो है, अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि आपको फटीग रहता है, आपको टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है, आपके बालों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब होने लगी है, या फिर आप अचानक से आपकी ओबेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो आ गया है आपकी लाइफ के अंदर, और इसके सबके चलते अगर आपको डॉक्टर जो है थायराइड टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, तो आपका TSH भी बढ़ा हुआ आ गया है, तो तब भी उस कंडीशन में भी आपको कुछ टेस्ट जो स्पेसिफिक होते हैं वो आपको जरूर करवाने चाहिए, जैसे कि B12 का हो गया, विटामिन D3 का हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी आपको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, और इसके साथ साथ आपको आयोडीन का टेस्ट भी जरूर करवाना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो किस वजह से ये प्रॉब्लम दे रही है, और किस वजह से आप इतना नहीं खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप काफी मोटे होते जा रहे हैं, या ओबेज पूरी ऑल ओवर बॉडी पर आपके जो है वो फैट डिपॉजिट होने लगा है। तो ये था आज का वीडियो, और ये सिम्टम्स आप जरूर नोटिस कीजिए कि अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं ऐसे सिम्टम्स, तो एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए। पर्सनली अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप देहरादून अपोलो क्लिनिक में आप मुझसे मिल सकते हैं, एज अ डाइटिशियन मैं वहाँ पर इवनिंग में बैठती हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझसे आकर मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो भी आप अपने लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनलाइज डाइट प्लान्स जाते हैं, तो मेरा एक और चैनल है जो कि रेसिपीज को ही बनाता है, तो रेसिपीज के लिए आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको लिंक जो है अदर चैनल के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कम से कम आप वो वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ ही रेसिपीज को बनाया है, तो वहां पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम डे टू डे लाइफ में अच्छे और हेल्दी फूड को आप अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय ऑल।